नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उससे कई सारे इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट है फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, सेकंड इज फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, थर्ड इज फ्रिक्शन कॉजेस वियर एंड टीयर। तो जो सबसे पहला है फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, ये आप सबको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है और इसीलिए वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव होने से रोकता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। इट अपोजेज द मोशन ऑफ द बॉडीज एंड ट्राई टू स्टॉप इट। ये मोशन को अपोज करता है, उसको रोकता है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मूविंग कार एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। इफ़ वी लिफ्ट आवर फुट फ्रॉम द एक्सीलरेटर द कार स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स। अगर मान लो कोई कार है वो कॉन्स्टेंट लगातार इसी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, अगर मान लो हम हमारा पाँव जो है वो एक्सीलरेटर से हटा लें तो कार क्या होगी, धीरे होगी और फिर रुक जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऐसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हेन अ व्हीकल इज मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड द एनर्जी स्पेंट इन कीपिंग द व्हीकल टू मूव एट सेम स्पीड इज यूटिलाइज इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन ऑफ द रोड। ऐसा इसलिए होता है जब व्हीकल मूव करता है कॉन्स्टेंट स्पीड से तो जो एनर्जी है वो एनर्जी जो यूज़ हो रही है वो क्या करती है, उस व्हीकल को कॉन्स्टेंट सेम स्पीड से मूव करने में हेल्प करती है और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी ओवरकम करती है। लेकिन जब हम उस एनर्जी को सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा और इसीलिए ऑब्जेक्ट स्लो होकर रुक जाता है। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। टेक अ स्मॉल मेटल स्ट्रिप विथ ब्लंट कॉर्नर्स एंड होल्ड इट फ्रॉम इट्स वन कॉर्नर। अपने को एक स्मॉल छोटी मेटल की स्ट्रिप लेनी है जो कि ब्लंट हो, ब्लंट मतलब तीखी नहीं होनी चाहिए इसके कॉर्नर्स पर, उसको हम एक कॉर्नर से पकड़ लेंगे। अब इस स्ट्रिप को हम एक वुडन टेबल के ऊपर रब करेंगे। टच द रब्ड साइड ऑफ द स्प्रिंग विथ योर हैंड। हम जो रब्ड साइड है उसको अपने हाथ से टच करके फील करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो कॉइल है वो कैसी हो जाती है, हॉट हो जाएगी, बहुत गर्म हो जाएगी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है टेबल टॉप और स्ट्रिप के बीच में वो बदल जाता है हीट एनर्जी में। इट इज़ फॉर द सेम रीज़न दैट आवर पाम्स गेट वार्म व्हेन रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। और यही वो कारण है जब हम हमारे दोनों हाथ को, जैसे सर्दियों में हम एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं दोनों हाथ को, तो हमें गर्माहट वार्म्थ फील होता है। इट इज़ बिकॉज फॉर द सेम रीज़न दैट अ जार ऑफ द मिक्सर ग्राइंडर गेट्स हॉट व्हेन रन फॉर अ फ्यू मिनट्स। और इन्हीं कारण की से जब आपने कभी मिक्सर ग्राइंडर चला के देखा होगा तो पहले तो वो ठंडा होता है लेकिन कुछ टाइम हम जब उसको चला लेते हैं तो मिक्सर ग्राइंडर जो है वो गर्म हो जाता है। इनफैक्ट ऑल मशीन्स गेट हॉट एट देयर मूविंग पार्ट्स। यहाँ तक कि जितनी भी मशीनें होती है सभी मशीनें गर्म हो जाती है जब उनको उनके पार्ट्स मूव करते हैं। द स्पेसशिप्स आर प्रोवाइडेड विथ हीट शील्ड एट देयर नोज। इट इज़ बिकॉज व्हेन स्पेसशिप्स एंटर द एटमोसफियर due to friction of air they can catch fire much like meteors, however the heat shield prevents such a fire due to friction। जो स्पेसशिप होती है अंतरिक्ष यान जो होते हैं उनको उनका जो आगे वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर एक हीट शील्ड लगाई हुई होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जैसे जब स्पेसशिप जो है एटमोसफियर के अंदर एंटर करेगा तो एटमोसफियर के अंदर तो एयर है, ये एयर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगी और इसके कारण से उस स्पेसशिप में आग लग सकती है। जैसे मीटियोर्स जब स्पेस से एटमोसफियर के अंदर एंटर करते हैं तो वो भी बर्न होने लग जाते हैं, तो उसी तरह से जब स्पेसशिप स्पेस से एटमोसफियर के अंदर एंटर करेगी तो वो भी बर्न होने लग जाएगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर। उसको रोकने के लिए ही उसके ऊपर हीट शील्ड लगाई जाती है ताकि इस तरह फ्रिक्शन के कारण से कोई फायर कॉज ना हो। थर्ड इज फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर। ट्राई टू कंपेयर द सोल्स ऑफ योर न्यू शूज विथ ओल्ड वंस। यू विल नोटिस दैट सोल्स ऑफ ओल्ड शूज आर वॉर्न आउट। इट इज़ बिकॉज व्हेन वी वॉक द मटेरियल ऑफ द सोल्स वियर्स आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर आपके दो जूते, एक कोई नया जूता है और एक कोई पुराना जूता है, उनको कंपेयर करके देखोगे, उनके जो सोल है उनका जो बॉटम वाला हिस्सा है उसको कंपेयर करके देखोगे
तो जो पुराने वाले शूज़ हैं वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ से बिल्कुल ख़राब से हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन के कारण हमारे जो जूतों का सोल है वो ख़राब हो जाता है, वियर आउट हो जाता है, वॉर्न आउट। ये सिमिलरली जो टायर होते हैं गाड़ी के, बड़े व्हीकल्स के जो टायर होते हैं, वो भी इस तरह से वियर आउट हो जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सारे मूवेबल पार्ट्स हैं मशीन के, वो भी इसी तरह से वियर आउट होते हैं। इसीलिए जब इस तरह से वो वियर आउट हो जाते हैं तो इससे जो मशीन है वो यूजलेस या इनएफिशिएंट हो जाती है। डू यू नो द अर्थ एटमोसफियर यूजेस फ्रिक्शन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मीटियोराइट्स? मीटियोराइट्स आर फास्ट मूविंग पीसेस ऑफ रॉक फ्रॉम आउटर स्पेस। देखो मीटियोराइट्स क्या होते हैं, फास्ट मतलब ये चट्टान के, रॉक के टुकड़े होते हैं जो कि आउटर स्पेस के अंदर मूव कर रहे होते हैं बहुत ही तेज़। ये जब अर्थ के एटमोसफियर में एंटर करते हैं तो एयर फ्रिक्शन इनको बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है, इतना गर्म कर देता है कि ये बर्न होने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कई बार हमें जो मीटियोराइट्स मूव करते हुए दिखते हैं राइट को, जिनको हम क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार्स, वो डायरेक्ट वो जो स्टोन बड़ा रॉक है वो आकर अर्थ के ऊपर सरफेस पे नहीं गिरता, क्योंकि वो क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही बर्न हो जाता है, और इससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है इस तरह से वो हमें इन मीटियोराइट से बचाता है। फ्रिक्शन बाय लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लूइड्स के, अभी तक हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन कैसे सॉलिड्स कॉज करते हैं, अब हम पढ़ने वाले कि लिक्विड्स और गैसेस कैसे फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। वी हैव लर्न दैट सॉलिड एक्सपीरियंस फ्रिक्शन व्हेन देयर सरफेस मूव रिलेटिव टू वन अनादर। फ्रिक्शन इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, जब किसी भी सॉलिड के दो सरफेस आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है ना, ये अभी हमने पढ़ा था। इट हैज़ बीन फाउंड दैट व्हेन अ सॉलिड मूव्स इन अ लिक्विड और अ गैस द सरफेस ऑफ द सॉलिड एक्सपीरियंस फ्रिक्शन। और ऐसा पाया गया है कि जब कभी भी कोई सॉलिड किसी लिक्विड या गैस के अंदर मूव करता है तो सॉलिड के सरफेस पर भी फ्रिक्शन फील होता है, हम फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाउएवर इट इज़ फाउंड दैट लिक्विड एक्सर्ट लेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू सॉलिड। लेकिन जब हम कंपेयर करें अगर लिक्विड और सॉलिड के फ्रिक्शन को, तो लिक्विड जो है वो कम फ्रिक्शन लगाता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। सिमिलरली गैसेस एक्सर्ट मच लेस फ्रिक्शन एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स और लिक्विड। और सबसे कम अगर फ्रिक्शन की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में सबसे कम फ्रिक्शन जो है वो गैस एक्सर्ट करता है और सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन सॉलिड एक्सर्ट करता है। एज़ द कॉमनेस्ट लिक्विड इज़ वाटर एंड द कॉमनेस्ट गैस इज़ एयर। जैसे सबसे कॉमन लिक्विड कौन सा है, वाटर, और सबसे कॉमन गैस कौन सी है, एयर। तो अपन ये जो फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो जब हम लिक्विड और गैसेस में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो हम बेसिकली फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर एंड फ्रिक्शन ड्यू टू एयर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन, लिक्विड के फ्रिक्शन की बात करें तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर, क्योंकि वाटर क्या है, सबसे कॉमन लिक्विड है। बिफोर वी डिस्कस द फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर, लेट अस नाउ अबाउट द स्ट्रीम लाइन शेप। द स्पेशल शेप ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट अराउंड विच अ फ्लूइड, एयर और वाटर कैन फ्लो ईजिली ऑफरिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन शेप। जब फ्रिक्शन, वाटर के फ्रिक्शन के बारे में पढ़ें उससे पहले हम स्ट्रीम लाइन शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रीम लाइन शेप एक ऐसा शेप या ऐसा डिज़ाइन होता है जिसके आसपास जब कोई भी फ्लूइड, चाहे वो एयर हो चाहे वो वाटर हो, उसके पास से, उसके चारों तरफ से आराम से वो फ्लो हो पाता है। वो अगर वो लिक्विड या वाटर जो भी है, एयर, अगर वो आराम से फ्लो हो पा रही है, इसका मतलब वो जो फ्रिक्शन है वो कम लगाएगी। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ही बेसिकली स्ट्रीमलाइन शेप रखी जाती है। स्ट्रीमलाइन शेप की आप ये जो डेफिनेशन है इसको अंडरलाइन करोगे। द स्पेशल शेप ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट अराउंड विच अ फ्लूइड कैन फ्लो ईजिली ऑफरिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप। ये जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, बोट है, स्पीड बोट है, इनकी शेप कैसी है, स्ट्रीमलाइन शेप है। स्ट्रीमलाइन शेप मीन्स आगे से तो ये पतली होती है और बीच में से चौड़ी होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू वाटर, इस पुशेज द वाटर आउट ऑफ द वे एंड द वाटर मूव्स ओवर द ऑब्जेक्ट साइड एंड पुशेज बैक ऑन द ऑब्जेक्ट। दिस पुश वाटर रेसिस्टेंस और ड्रैग। ऑब्जेक्ट्स दैट कैन मूव थ्रू वाटर क्विकली हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप। जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में मूव करता है तो वो क्या करता है, उसके रास्ते में जो पानी आ रहा है उसको वो पीछे की तरफ धकेलता है ना,
साइड की तरफ या पीछे की तरफ धकेलता है, और वो पानी वापस बदले में उस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ पुश करता है। तो ये जो पुश है जिसके कारण वाटर इसको क्या कर रहा है, आगे की तरफ ड्रैग कर रहा है, आगे की तरफ खींच रहा है ऑब्जेक्ट्स को, इससे जो पानी में जो भी मूव करने वाली चीज़ें हैं वो पानी में आराम से मूव कर पाती है, क्योंकि उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी, अगर उनकी बॉडी ऐसे आगे से स्ट्रीमलाइन नहीं होती तो वो पानी के अंदर आराम से मूव नहीं कर पाती। एग्जाम्पल्स, द बॉडी ऑफ शिप्स एंड बोट्स इज स्ट्रीमलाइन सो दैट दे एक्सपीरियंस मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन वाइल मूविंग थ्रू वाटर। तो पानी में जो भी बोट्स और शिप चलती है उनकी शेप जो होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, मतलब आगे से नैरो और पीछे से मिडल में से ब्रॉड। इस शेप का क्या फ़ायदा होता है कि उनको जो फ्रिक्शन फोर्स फील होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स उन पर लगेगा वो क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। जब मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स का बेसिकली काम क्या होता है, मोशन को रोकना, लेकिन पानी में उनको तो चलना है, तो वो क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि फ्रिक्शन फोर्स उनको कम फील हो और वो आराम से पानी के अंदर मूव कर सके। तो इसके लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन शेप रखा जाता है बोट्स और शिप। आगे हमें और एग्जाम्पल गिवन है, अ फिश विच मूव्स क्विकली थ्रू द वाटर हैज़ अ मच मोर स्ट्रीमलाइन शेप देन अ स्लो मूविंग सनफिश। डॉल्फिन्स आर स्ट्रीमलाइन टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ऐसी फिशेज जो पानी के अंदर ज़्यादा तेज़ चलती है, उन बॉडी की जो शेप, उनकी जो बॉडी की जो शेप होती है वो ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड होती है एज़ कम्पेयर टू ऐसी फिशेज जो स्लो चलती है। डॉल्फिन्स की भी स्ट्रीमलाइन शेप होती है ताकि वो आराम से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके और पानी के अंदर मूव कर सके, क्योंकि फिश की भी स्ट्रीमलाइन शेप बता रही कि आगे से नैरो है, पीछे से नैरो और बीच में से ब्रॉड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ बोटमैन मूव्स इज बोट इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑन अप्रोचिंग द शोर। दिस इन टर्न डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बोट एंड इट सेफली रीचेज द शोर। इट इज़ बिकॉज वाटर ऑफर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हैंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द बोट। बोटमैन जो होता है, जो नाविक होता है बोट चलाने वाला, वो उसकी बोट को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है जब वो शोर के पास, मतलब किनारे के पास में जब पहुंचता है, तो वो बोट को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसके बदले में क्या होता है, जब वो उसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है तो बोट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है और वो आराम से उस किनारे पर पहुँच जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी क्या करता है, पानी बहुत कम अमाउंट में फ्रिक्शन लगाता है जिससे कि उस बोट को रोक पाना मुश्किल होता है, इसीलिए वो उसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। इट इज़ फॉर द सेम रीज़न दैट बिग शिप्स फायर देयर इंजन इन द रिवर्स डायरेक्शन इन ऑर्डर टू स्लो डाउन और स्टॉप एज द वाटर ऑफर वेरी स्मॉल फ्रिक्शन। आपने कई बार टीवी में भी ये चीज़ देखी होगी कि जैसे जो शिप वगैरह चलाते हैं, जब उनको शिप की स्पीड कम करनी है या रोकनी है तो वो क्या करते हैं कि शिप के जो इंजन का डायरेक्शन होता है उसको उल्टा कर देते हैं, आगे बढ़ने के लिए जो डायरेक्शन लगा रहे थे उसका उल्टा कर देते हैं ताकि शिप जो है वो स्लो डाउन हो जाए या रुक जाए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जब हम रिवर्स कर लेते हैं तो फ्रिक्शन का अमाउंट जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। व्हेन अ स्विमर स्विम्स इन वाटर ही ट्राइज टू स्ट्रीमलाइन हिज बॉडी एज फार एज पॉसिबल सो दैट ही एक्सपीरियंस लीस्ट फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। जब स्विमर तैरते हैं पानी के अंदर, जब तैरते हैं तो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनकी बॉडी को वो स्ट्रीमलाइन शेप में बनाए ताकि कम से कम फ्रिक्शन उनको फील हो। तो अभी हमने पढ़ा था फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, है ना, एयर से जो फ्रिक्शन होता है वो हम पढ़ेंगे। द लिक्विड्स एंड गैसेज ऑल्सो एग्जर्ट फ्रिक्शन ऑन द बॉडी इज मूविंग थ्रू दैम। लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्रिक्शन एग्जर्ट करते हैं, कोई भी बॉडी अगर उनसे होती हुई निकल रही है तो उसके ऊपर वो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ज़रूर होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द एयर इट पुशेस द एयर आउट ऑफ द वे एंड द एयर मूव्स ओवर द ऑब्जेक्ट साइड्स एंड पुश बैक ऑन द ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एयर से मूव होगा, एयर से होकर गुजरेगा, तो एयर क्या करेगी, साइड में आ जाती है और साइड की तरफ से पुश करती है उस ऑब्जेक्ट को वापस रिटर्न में। ये जो पुश होता है ऑब्जेक्ट पर, इसको हम बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग। ओके, इसको अंडरलाइन कर लो, इसको हम क्या बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग। द फॉल ऑफ अ फैदर इज अपोज बाय एयर रेजिस्टेंस, डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड एयर रेजिस्टेंस। जो बर्ड्स होती हैं उनके जो फैदर गिर जाते हैं वो भी इसी एयर रेजिस्टेंस के कारण गिरते हैं। नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी गिवन है, यहाँ पर हम एक पेपर, फुल शीट पेपर लेंगे और उसको हमारे हेड के से ऊपर के लेवल से नीचे गिराएंगे।
टाइम नोट करेंगे हम कि उस शीट ऑफ पेपर को ग्राउंड लेवल पर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। अब उस शीट को क्रम्पल कर दो, उसको इस तरह से उसका शेप बॉल जैसा बना दो और फिर उसको ऊपर वापस उसी हाइट से वापस नीचे ज़मीन पर गिराएंगे। तो हम ये चीज़ देखेंगे जो क्रम्पल्ड बॉल थी वो जल्दी ग्राउंड पर पहुंच जाती है एज़ कम्पेयर टू फ्लैट पेपर, शीट ऑफ पेपर। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज व्हेन द शीट इज़ फ्लैट इट हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया विच एक्सपीरियंस अ लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर एंड हैंस स्लो डाउन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम शीट हमारी क्या थी, फ्लैट थी, तो उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा था। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है फ्रिक्शन भी उतना ही ज़्यादा होता है, इसीलिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन हो जाता है। However, when the sheet is crumpled in the form of a ball, it has a very small surface area. The small surface area experiences less force of friction due to air and hence reaches the ground level quickly. तो जो small surface area है crumpled ball का, area कम हो गया surface area, तो friction force भी कम feel होता है, इसीलिए वो जल्दी से ground पर पहुँच जाता है। The value of air resistance depends on the size and shape of the object. इस line को underline कर लेना आप। एयर रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी शेप क्या है और उसकी साइज़ क्या है। मैनी कार्स आर डिज़ाइंड सो दैट द एयर रेजिस्टेंस इज़ लो व्हेन द कार मूव्स फॉरवर्ड। कई सारी कार की डिज़ाइन भी इस तरह से होती है कि एयर रेजिस्टेंस कम हो जब वो तेज चले तब। द कार्स बॉडी इज़ डिज़ाइंड लाइक अ वेज टू कट इट्स वे थ्रू द एयर एंड द सर्फेसिस आर कर्व्ड टू अलाउ द एयर टू फ्लो ओवर द साइड्स विद द मिनिमम ड्रैग। Shapes that are designed to reduce air resistance are called streamlined shape. तो कई सारी कार की जो बॉडी होती है वो इस तरह से डिज़ाइन करी होती है, वेज जैसे, मतलब ऐसे तीखी सी होती है आगे से, ताकि वो आराम से एयर को कट करे और एयर का जो फ्रिक्शन है उनको मिनिमम फील हो। जब एयर का फ्रिक्शन मिनिमम होगा तभी वो तेज स्पीड में चल पाएगी। तो इस तरह की स्ट्रीमलाइन शेप बनाई जाती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें गिवन है। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमें गिवन है वो है, नेचर हैज़ शेप्ड द बॉडी ऑफ बर्ड्स इन सच अ वे दैट एयर ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस एंड हैंस दे कैन फ्लाई विद अ लॉट ऑफ स्पीड। नेचर ने, प्रकृति ने बर्ड्स की जो शेप है वो इस तरह से बना रखी है कि उनको एयर का रेजिस्टेंस कम से कम फील हो और वो तेज स्पीड में फ्लाई कर सके। द बॉडी ऑफ एरोप्लेन्स इज स्ट्रीमलाइंड सो दैट द एयर ऑफर्स लीस्ट पॉसिबल फ्रिक्शन। जो एरोप्लेन्स होते हैं उनकी बॉडी भी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है, आगे से नैरो है, पीछे से ब्रॉड है, यहाँ पर मिडल में। तो इस तरह की शेप होने के कारण इनको भी लीस्ट फ्रिक्शन फील होता है। द बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल्स, कार्स, बसेस, मोटरसाइकिल, ट्रेन्स एक्सेट्रा स्ट्रीमलाइंड सो दैट एयर ऑफर्स लीस्ट पॉसिबल फ्रिक्शन। जो व्हीकल्स हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स, उनको भी इसी तरह से स्ट्रीमलाइन शेप में रखा जाता है ताकि उनको बहुत ही कम फ्रिक्शन फील हो। तो अभी हमने फ्रिक्शन पढ़ा है, फ्रिक्शन ड्यू टू एयर एंड फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर।